जौन अकबरपुर में संपन्न हुआ विशाल चिंतन बैठक जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर में स्थित सिंह लॉन में पूर्व चेयरमैन जितेंद्र सिंह गुड्डन सिंह ने चिंतन बैठक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक सरवणखेड़ा उमेश त्रिवेदी ने की। भारतीय जनता पार्टी कानपुर देहात में पुराने पदाधिकारी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की हो रही उपेक्षा पर किया गया कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व इंटर कॉलेज के जी पाने ने की और कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ समाज सेवी पंडित प्रमोद कुमार मिश्रा ने किया। कार्यक्रम की सबसे पहले दीप प्रज्वलन किया गया और उसके बाद अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। वहीं वक्ताओं ने वर्तमान में हो रही राजनीति पर चर्चा की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से जिला स्तर पर पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही, जिससे सामाजिक सद्भावना घट रही और पार्टी का वर्चस्व भी कम हो रहा। इसको लेकर सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। उक्त बैठक में सरवण त्रिवेदी, अनिल त्रिवेदी, विनोद तिवारी, जगदीश पांडे, विजय अग्निहोत्री, सुनील शर्मा, राजीव शुक्ला, राजा त्रिवेदी, बंटी शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसी के साथ अकबरपुर नगर पंचायत के सभी सभासदों ने मंच पर अपना सहयोग प्रदान किया। उक्त कार्यक्रम में अकबरपुर के वरिष्ठ लोगों के साथ भाजपा के कार्यकर्ता और पूर्व पदाधिकारियों के साथ सैकड़ों का जनमानस उपस्थित रहा। वहीं पर आयोजक जितेंद्र सिंह ने सभी को स्वल्पहार कराया और फूलों से सभी का सम्मान किया और उपस्थित होने के लिए सभी का आभार जताया। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से ब्यूरो चीफ प्रियंका गुप्ता की खास रिपोर्ट। देखिए, ये चिंतन बैठक है भारतीय जनता पार्टी कानपुर देहात के जो उपेक्षित कार्यकर्ता है उनकी ये चिंतन बैठक थी, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन और जिला अध्यक्ष है, जो रावण रूपी काम हो रहा है, जो भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा मिल रहा है, तो जिला संगठन और जिला अध्यक्ष को ये संदेश है कि अभी संभल जाओ, अन्यथा जिले की चार विधानसभा है तुमको औकात दिखा देंगे। भारतीय जनता पार्टी में सन 88 से काम कर रहे हैं, 90 में NSA रास्ता जैसा झेली है। हमारे यहाँ तमाम विनोद तिवारी सगाती जो हमारे मित्र हैं 40-40 साल से भाजपा में काम कर रहे हैं, आज भ्रष्टाचारी अनाचारी जो दूसरे दल कभी भाजपा में नहीं रहे, आज यहाँ का जिला अध्यक्ष उनसे पैसा ले रहा है और इसे भ्रष्टाचार